हेलो गाइस ऑफ स्मॉल साइज, कैसे हैं आप सब लोग। तो मैं लॉकडाउन में गांव में हूँ और यहाँ पर प्रॉपर कैमरा ऑडियो के लिए माइक की व्यवस्था प्रॉपर नहीं है। तो हो सकता है आपको वीडियो में थोड़ी बहुत क्वालिटी या फिर ऑडियो क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े, बट जो स्टडी मटेरियल है या टीचिंग मेथड है उनके साथ कोई आपको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़ेगा। तो स्टार्ट करते हैं आज अपन ट्रिग्नोमेट्री की सीरीज, और मैं एकदम जीरो लेवल से स्टार्ट करूँगा। जिनको थोड़ा बहुत पहले से ट्रिग्नोमेट्री का नॉलेज है उनको हो सकता है एक दो क्लास थोड़ी ज़्यादा बेसिक लगें, लेकिन थर्ड और फोर्थ क्लास में उनको भी इंटरेस्ट आना स्टार्ट हो जाएगा। और मैं SSC CGL प्री और मेंस लेवल तक की कंप्लीट ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। और जो एकदम नॉर्मल स्टूडेंट हैं उनसे मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप तीन वीडियो कंप्लीट देखें, और जैसा जैसा मैं बोल रहा हूँ वैसे वैसे आप मुझे फॉलो करें। थर्ड वीडियो कंप्लीट देखने के बाद आप डिसीज़न लेना कि आपको आगे समझ आ रहा है तो आप कंटिन्यू रहना। वो तो डेफिनेटली कह रहा हूँ कि समझ आएगा, बट वो तीन वीडियो तक आपको थोड़ा पैशन रखना पड़ेगा, ठीक है ना। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो ट्रिग्नोमेट्री जो है उसमें अपन को दो चीज़ों का नॉलेज होना चाहिए। एक तो किसका नॉलेज होना चाहिए हमें ट्रिग्नोमेट्री में, नॉलेज होना चाहिए हमें ट्रायंगल का। एक तो हमें किसका नॉलेज होना चाहिए, ट्रायंगल का। और ट्रायंगल में भी कौन से ट्रायंगल का नॉलेज होना चाहिए, राइट एंगल ट्रायंगल का नॉलेज होना चाहिए। किसका नॉलेज होना चाहिए, राइट एंगल ट्रायंगल का। मेरे साथ बोलते रहिए आप लोग साथ साथ में, राइट एंगल ट्रायंगल का अपन लोगों को नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। अब सर राइट एंगल ट्रायंगल का क्या नॉलेज होना चाहिए वो मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ। और आप ऐसे मत बैठिए एकदम जैसे मूवी देख रहे हैं, मैथ कभी ऐसे देख कर नहीं पढ़ी जाती है। आप कॉपी पेन लीजिए और जो जो मैं बोल रहा हूँ वो कंप्लीट नोट कीजिए और एक नोट्स बनाइए आप लोग। मैंने कहा था ना जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा कर लीजिए, आपको 101% समझ आ जाएगा। तो आप ऐसे कीजिए, ठीक है ना। तो राइट एंगल ट्रायंगल में क्या नॉलेज होना चाहिए देखो मैं आपको समझा रहा हूँ। ये मान लीजिए कि एक ट्रायंगल है, ठीक है। कोई भी ट्रायंगल होता है ये अपने 90 डिग्री का एंगल हो गया। अब जब तक अपन मेंसुरेशन पढ़ते हैं जब तक इसको आधार मान लो, इसको लंब मान लो, इसको लंब, इसको आधार, कुछ भी मान लो, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन जैसे ही ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करते हैं तो ये फिक्स होना स्टार्ट हो जाती है। कैसे, समझिए आराम से। सपोज आपकी आंख यहाँ पर है, तो बताओ आपकी आंख को हाइट कौन सी नजर आएगी। ये हाइट का काम कर रही है ना आपकी आंख के लिए, आपकी आंख के लिए किसका काम कर रही है, हाइट का काम कर रही है। तो हाइट को अपन लोग क्या बोलेंगे, अपन लोग हाइट को बोलेंगे लंब। तो बताओ फिर ये किसका काम करेगी, ये आधार का काम करेगी। और 90 डिग्री के सामने हमेशा क्या होता है, करण होता है। अब देखो आंख का मतलब क्या हुआ, आंख का मतलब मैं आप लोगों को ये समझा रहा हूं कि अगर सपोज यहां पर थीटा हुआ तो इस थीटा के लिए लंब तो ये होगा, आधार ये होगा और करण ये हमेशा फिक्स होगा। अगर सपोज देखो आप यहां पर आंख सपोज करते हो कि यहां पर आपकी आंख है, तो आप खुद प्रैक्टिकल सोचिए, बताओ यहां से आप देख रहे हो तो आपको हाइट ये नजर आएगी, और हाइट को अपन क्या कहते हैं, लंब। तो ये क्या हो गया, आधार। और 90 डिग्री के सामने हमेशा कौन होता है, करण होता है। तो समझ आई इतनी सी बात आप लोगों को। तो राइट एंगल ट्रायंगल में क्या नॉलेज होना चाहिए कि थीटा, अब जहां आंख होती है उसका मतलब क्या है, वहां पर क्या है, थीटा। थीटा के सामने क्या होता है, लंब। और 90 डिग्री के सामने करण। तो बची हुई भुजा क्या होती है, आधार होती है। समझ में आ गई इतनी सी बात। अब इस पर डिपेंड मैं आप लोगों को एक दो क्वेश्चन करवा रहा हूं, आप लोग आराम से समझिए। देखो जैसे पहला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। एक तो आपको और किसका नॉलेज होना चाहिए, देखो इसके बाद में राइट एंगल ट्रायंगल में आपको ये वाला नॉलेज होना चाहिए कि एल ए एल बटे कक्का, साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा। साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे करण। बोलो मेरे साथ, साथ साथ बोलना है आप लोगों को, तब आपको ज्यादा समझ में आएगा और नोट्स भी बनाने, फिर
फिर वीडियो बंद करके एक बार अपने नोट्स पढ़िए और फिर दोबारा से उनको आप खुद से लिखिए। जब वो खुद से कंप्लीट लिख दोगे तो मान लीजिए आपको सब कुछ समझ आ गया। तो बताओ साइन थीटा क्या होता है? बोलो बोलो मेरे साथ, क्या होता है साइन थीटा? लंब बटेकरण। कॉस थीटा क्या होता है? आधार बटेकरण। और बताओ टेन थीटा क्या होता है? लंब बटे आधार। ऐसे ही कोट थीटा क्या होता है? आधार बटे लंब। सेक थीटा करण बटे आधार। और बताओ कोसेक थीटा क्या होता है? करण बटे लंब। तो क्या इतनी सी बात समझ आ गई? जैसे देखो इसको और बेटर एक्सप्लेन करने के लिए, और ये मैं इतना क्यों कर रहा हूं, जो नॉर्मल स्टूडेंट है उनका डर खत्म हो जाए। अब देखो बताओ साइन थीटा अपन को दे रखा है, बताओ साइन थीटा क्या होता है? लंब बटे करण। बोलो क्या होता है साइन थीटा? लंब बटे करण। तो बताओ लंब बटे करण, अब इसमें आप कहीं भी थीटा मान लो, जैसे मैंने यहां थीटा मान लिया, तो मैंने क्या बताया था थीटा के सामने क्या होता है? अब आपको बोलना है, चुपचाप नहीं बैठे रहना है। बताओ थीटा के सामने क्या होता है? लंब। तो आप कहोगे कि सर ये तो लंब है, ये आधार, और 90 डिग्री के सामने हमेशा क्या होता है? करण होता है। तो क्या समझ आ गई यहां तक की मेरी बात? तो बताओ इसमें लंब कितना है? 3। बताओ करण कितना है? 5। और बताओ आधार कितना है? 4। कैसे? ये पाइथागोरस प्रमेय से निकाल लिया, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर बराबर क्या हो गया? करण का स्क्वायर। तो इससे आप किसकी वैल्यू निकाल लोगे? आधार की वैल्यू निकाल लोगे, जो कि कितनी आएगी? 4। क्लियर हो गई यहां तक की बात? अब आपको देखो ये इतनी जो बेसिक क्लास है, ये मैं जो ज्यादा जीरो लेवल के स्टूडेंट है उनको स्पेशली टारगेट कर रहा हूँ। कोई जिसकी थोड़ी बहुत ट्रिग्नोमेट्री ठीक है, तो मैंने शुरू में ही बता दिया कि 2 या 3 क्लासों के बाद में आपको अपने आप सारी चीजें क्लियर हो जाएंगे। लेकिन छोड़नी आपको भी नहीं है ये क्लासें, थोड़ा वीडियो फास्ट करके देख लेना आप। देखो बताओ कॉस थीटा क्या होता है? आप यहां से देखोगे, बोलो मेरे साथ, आधार बटे करण। तो बताओ इसमें आधार तो कितना है? 4। और करण कितना है? 5। फिर बताओ टेन थीटा, टेन थीटा क्या होता है? लंब बटे आधार। बताओ लंब कितना है इसमें? 3। और बताओ आधार कितना है? 4। बताओ कोसेक थीटा। अब कुछ स्टूडेंट कहेंगे सर ये तो साइन का उल्टा हो जाएगा। उल्टा कैसे? देखो साइन लंब बटे करण होता है, तो कोसेक करण बटे लंब। लेकिन मैं एक बार एकदम नॉर्मल समझा रहा हूँ, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला हूँ कि ये उल्टा हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा, वरना फिर जिनको ट्रिग्नोमेट्री थोड़ी सी डाउन है वो फिर परेशान होंगे एकदम जीरो से। लेकिन डे बाय डे मेरा लेवल है वो इम्प्रूव होता चला जाएगा। ये जो मेरे से पढ़ रहे हैं उन स्टूडेंटों को ऑलरेडी ये बात पता है, ठीक है ना? तो कोसेक थीटा, कोसेक थीटा क्या होता है? करण बटे लंब। बताओ करण कितना है? 5। और लंब कितना है? 3। तो क्या समझ आया आप लोगों को ये वाली बात? अब जो दूसरा क्वेश्चन है, ये वीडियो पॉज करके एक बार आप खुद से करना स्टार्ट करो, फिर नहीं होता है हो जाएगा। वैसे तो ऐसा कोई इतना बड़ा क्वेश्चन ये है नहीं, लेकिन मेरा इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि एकदम ही कोई नॉर्मल स्टूडेंट हो तो मैं इतना इसलिए बोल रहा हूँ, ठीक है ना? बाकी कोई इतना बड़ा क्वेश्चन ये है नहीं, ठीक है? ये लिख लेना आप लोग। अब फिर ट्रायंगल बना लीजिए। अब आप लोगों को ये देखना, कहीं भी थीटा मान लो, जैसे इस बार मैंने यहाँ थीटा मान लिया, थीटा मान लिया तो थीटा के सामने लंब, ये क्या हो गया? आधार। और ये क्या हो गया? करण। अब बताओ सेक थीटा, सेक थीटा किसको रिप्रेजेंट करता है? करण बटे आधार। तो करण बटे आधार, बताओ करण कितना है? 13। बताओ आधार कितना है? 5। तो बताओ ये लंब कितना आएगा? 12। अब कुछ स्टूडेंट कहेंगे कि सर ये लंब कहाँ से आ गया? तो भाई ये आप पाइथागोरस प्रमेय लगा लीजिए, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर बराबर करण का स्क्वायर, इससे ये निकल जाएगा। अब बताओ क्या पूछा आपको? साइन थीटा, साइन थीटा यहाँ से मेथड देखो क्या होता है, लंब बटे करण। लंब कितना है इसमें? 12। और बताओ करण कितना है? 13। बताओ टेन थीटा, टेन थीटा क्या होता है? लंब बटे आधार। लंब कितना है इसमें? 12। बोलते रहा करो मेरे साथ साथ। आधार कितना है? 5। कोट थीटा क्या होता है? आधार बटे लंब। बताओ इसमें आधार कितना है? 5। और बताओ लंब कितना है? 12। तो उम्मीद करता हूँ राइट एंगल ट्रायंगल का आप लोगों को प्रॉपर जो समझ जितना मैटर चाहिए था उतना समझ आ गया एक बार बेसिक के लिए, ठीक है ना? अब अपन बात करते हैं वापस इन्हीं बातों की। तो बताओ ट्रिग्नोमेट्री में कितनी चीजों का नॉलेज, एक किसका नॉलेज होना चाहिए? ट्रायंगल। ट्रायंगल में कौन से ट्रायंगल का? राइट एंगल। राइट एंगल ट्रायंगल का क्या नॉलेज होना चाहिए? थीटा के सामने लंब होता है और 90 डिग्री के सामने करण, और बच गई वो बुझा क्या होती है? आधार। अब देखो दूसरा किसका नॉलेज होना चाहिए? दूसरा नॉलेज होना चाहिए आपको ज्योमेट्री का।
डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं कह रहा हूँ ना कि आप तीन वीडियो मैं बोल रहा हूँ वैसे वैसे करके देख लीजिए, फोर्थ वीडियो में खुद का इंटरेस्ट बढ़ जाएगा, खुद को ही सेल्फ कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि सर वास्तव में हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ सकते हैं। आप क्यों डरे हुए हो? क्योंकि आपको प्रॉपर समझाया नहीं जाता है। दो चीज़ें बीच से करवा दी जाती हैं, दो लास्ट की करवा दी जाती हैं, तो आपके हमेशा वो डर बना रहता है। तो आप आराम से समझिए, बताओ ज्योमेट्री में किसका नॉलेज होना चाहिए? क्वाड्रेंट्स का। ज्योमेट्री में किसका नॉलेज होना चाहिए? क्वाड्रेंट्स। क्वाड्रेंट्स मतलब चतुर्थांश, ठीक है? तो बताओ क्वाड्रेंट्स या चतुर्थांश होते क्या हैं? देखो आराम से समझिए, इसको कौन सा क्वाड्रेंट बोलते हैं? फर्स्ट। कौन सा क्वाड्रेंट बोलते हैं? मेरे साथ साथ बोलते रहिए। इसको थर्ड, इसको फोर्थ। यहां क्या होता है? पॉजिटिव अक्ष एक्सिस। यहां क्या होता है? नेगेटिव अक्ष एक्सिस। यहां पॉजिटिव वाई एक्सिस और यहां नेगेटिव वाई एक्सिस, ठीक है? अब देखो पॉजिटिव अक्ष एक्सिस का मतलब क्या हुआ? अगर आप यहां पर कोई डिस्टेंस ट्रेवल करोगे तो ये क्या होगी? +1, +2, +3, +4। मतलब इस लाइन पर जो भी डिस्टेंस होगी वो क्या होगी? पॉजिटिव। ऐसे ही इस लाइन पे भी जो भी डिस्टेंस होगी वो बताओ क्या होगी? पॉजिटिव। इस लाइन पे डिस्टेंस क्या होगी? नेगेटिव। और इस लाइन पे डिस्टेंस क्या होगी? नेगेटिव। समझ आ रही है मेरी बात सबको? अगर आपको इतना नॉलेज है तो ट्रिग्नोमेट्री आपकी मुट्ठी में है। अब कुछ बच्चे सोच रहे हैं सर निकाल लेते हैं फिर मुट्ठी से। भाई है, लेकिन वो छुपी हुई है, ऐसे निकाल नहीं पाओगे ना आप। एक बार देखिए, ऐसे तो आप लोगों में सब में प्रतिभा है, लेकिन आपकी बाहर थोड़ी आई है। कईयों की प्रतिभा बाहर आ जाती है, कईयों की नहीं आती है। तो मैं ये मानकर चल रहा हूँ आप सब इंटेलिजेंट हो, लेकिन कुछ मिसगाइडेंस या फिर प्रॉपर एक्सप्लेनेशन न मिलने की वजह से आप लोग इन चीज़ों को सीख नहीं पा रहे हो। तो आपके पास एक अच्छा मौका है, रेगुलर देखते रहिए और मैं जैसे बोल रहा हूँ उतना काम करते रहिए। तो क्वाड्रेंट्स की इतनी बात समझ आ गई। अब देखो और आगे अपन को क्वाड्रेंट्स का क्या नॉलेज होना चाहिए वो देखो। अब मेरे साथ साथ बोलना, आपको यहां पर क्या होता है? पॉजिटिव अक्ष। यहां पर क्या होता है? नेगेटिव अक्ष। यहां पर क्या होता है? नेगेटिव वाई। और यहां पर क्या होता है? पॉजिटिव वाई। ये कौन सा क्वाड्रेंट है? फर्स्ट। ये कौन सा है? सेकंड। ये कौन सा क्वाड्रेंट है? थर्ड। ये कौन सा क्वाड्रेंट है? फोर्थ। समझ आ रही है ना मेरी बात सबको? अब देखो, अब यहां से आप लोगों को क्या करना आगे, जैसे ये अपने पास, मैं ये फिर लिख देता हूं ताकि आपको अच्छे से याद भी हो जाएगा। LAL/KKA, ये क्या हो गया? साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, ठीक है? एक चीज याद रखनी है। अब देखो मैं सारी चीजें खुद ही क्लियर करवा दूंगा और फिर आपको याद तो करनी ही करनी है। अगर सपोज मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई ट्रायंगल बनाता हूं, ये मैंने कोई ट्रायंगल बना दिया, तो याद रखना क्वाड्रेंट में जो एंगल होता है वो हमेशा किसके साथ में होता है? अक्ष एक्सिस के साथ में होता है। बताओ ये कौन सी लाइन है? आप कहोगे कि सर ये लाइन तो वाई की है। ये लाइन किसकी है? अक्ष की। तो अक्ष के साथ में एंगल होगा। अब यहां तो 90 डिग्री फिक्स हो गया, तो यहां पर आपने थीटा लिख दिया। और अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको ये समझाया है कि भाई थीटा के सामने क्या होता है। अब बोलते रहा करो मेरे साथ साथ, बताओ थीटा के सामने क्या होता है? लंब होता है। तो ये तो लंब हो गया, ये आधार, और ये क्या हो गया? करण। बताओ यहां पर अपने पास जो थीटा, ये जो लंब है वो क्या होगा? पॉजिटिव। ये भी क्या है? पॉजिटिव। अभी थोड़ी देर पहले बताया ना मैंने कि ये लाइन पॉजिटिव होती है, इसलिए लिख रहा हूं। और ये भी क्या है अपने पास? पॉजिटिव। तो क्या समझ आ गई यहां तक की बात? आप देखते रहिए, थोड़ी देर में आपको खुद को ही समझ आ जाएगा कि मैं आपको समझाना क्या चाहता हूं। साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। अब देखो बताओ साइन थीटा क्या होता है? लंब बटे करण। ये याद हो जाएगा, मेरा पढ़ाने का तरीका ही ऐसा ही है कि मैं आपको डायरेक्ट ही बार बार ये रटवाता तो आपको थोड़ी इरिटेशन होती, तो मैं इसके थ्रू समझा रहा हूं। एक नई चीज भी सीखोगे और वो मेथड भी आप लोगों के याद हो जाएंगे, ठीक है ना? तो देखो साइन थीटा क्या होता है?
लंब बटे करण। बताओ इसमें लंब क्या है? पॉजिटिव। और करण भी क्या है? पॉजिटिव। तो आप लोग बताओ पॉजिटिव बटे पॉजिटिव रिजल्ट क्या आएगा? पॉजिटिव। क्या समझ आ रही है मेरी बात सबको? हाँ या ना बोला करो। अब आप सोच रहे होंगे सर हाँ या ना बोलेंगे तो आपको थोड़ी सुनेगा, लेकिन आपको मतलब टाइप करना है। जैसे ही मैं बोलूँ समझ में आ रहा है, उसी टाइम आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है हाँ समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है या क्या प्रॉब्लम है। उससे आपको ये लगेगा कि हम लाइव फेस टू फेस क्लास ले रहे हैं, ठीक है ना। उसके बाद में देखो कोस थीटा। बताओ कोस थीटा क्या होता है? क्या होता है बोलो फटाफट। आधार बटे करण। तो बताओ आधार पॉजिटिव और करण पॉजिटिव, तो पॉजिटिव बटे पॉजिटिव बराबर क्या आएगा? पॉजिटिव। बताओ टेन थीटा क्या होता है? लंब बटे आधार। लंब क्या है? पॉजिटिव। आधार पॉजिटिव बराबर क्या आएगा? पॉजिटिव। ऐसे ही कोट थीटा क्या होता है? आधार बटे लंब। बताओ आधार भी पॉजिटिव और लंब भी पॉजिटिव, रिजल्ट क्या आएगा? पॉजिटिव। ऐसे ही बताओ आप लोग सेक थीटा क्या होता है? सेक थीटा होता है करण बटे आधार। करण क्या है? पॉजिटिव। आधार भी पॉजिटिव बराबर पॉजिटिव। ऐसे ही पॉजिटिव बटे पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। अब कुछ बच्चों को लग रहा होगा कि सर ये क्या लिख डाला आपने, और एक डायलॉग याद आ जाता है मेरे जब भी ऐसा बोलता हूँ, लिख डाला तो लाइफ झींगा लाला। पर ऐसा है नहीं, जब तक समझ में नहीं आएगा जब तक लाइफ झींगा लाला होगी नहीं, ठीक है ना। खैर क्या समझा रहा हूँ मैं आप लोगों को, आप समझिए। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे क्या होते हैं? पॉजिटिव। तो हम क्या लिख देते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल वैल्यू क्या होती है? पॉजिटिव। अब आप कहोगे कि सर इनका क्या यूज है? अभी थोड़ी देर रुकिए, मैं सब कुछ समझा दूंगा, और हो सकता है आज की क्लास में इसका यूज नहीं हुआ तो अगली में हो जाएगा। पर एक बार आप बेसिक, ओवरऑल बेसिक सीखिए ट्रिग्नोमेट्री का। अब देखो ये कौन सा क्वाड्रेंट है? सेकेंड। मैं सेकेंड में ट्रायंगल बना रहा हूं, तो बताओ थीटा कहां पर रहेगा? अक्ष एक्सिस के साथ में। तो यहां पर अक्ष एक्सिस कहां है? ये रहा, तो ये थीटा। थीटा के सामने लंब, ये आधार और ये करण। अब आप खुद बताओ ये लाइन पॉजिटिव है तो लंब क्या हो गया? पॉजिटिव। ये नेगेटिव है तो आधार नेगेटिव, और करण क्या हो गया? पॉजिटिव। करण हमेशा ही पॉजिटिव होता है, और इसके पीछे रीजन क्या है वो मैं आप लोगों को समझा देता हूं, देखना आप लोग मेरी बात सुनना। आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर बराबर क्या होता है? करण का स्क्वायर। तो अगर आपका आधार माइनस भी हुआ तो वो माइनस का स्क्वायर करोगे तो वो वापस क्या बन जाएगा? पॉजिटिव। और पॉजिटिव बन जाएगा तो आपका करण क्या आएगा? पॉजिटिव। इसलिए आधार और लंब अगर चाहे नेगेटिव हो पॉजिटिव हो इनकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन करण हमेशा क्या आएगा? पॉजिटिव, क्योंकि करण होता है आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो स्क्वायर करते ही, माइनस की चीज का स्क्वायर करते ही वो किस में कन्वर्ट हो जाती है? वो आपकी पॉजिटिव बन जाती है। समझ में आ गई मेरी इतनी सी बात? अब देखो आप लोग कौन से क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं? सेकंड। फर्स्ट में तो हमने रिजल्ट निकाल लिया, ऑल वैल्यू क्या होती है? पॉजिटिव। अब सेकंड में देखो, सेकंड में देखो साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है? लंब बटे करण। बताओ लंब क्या है? पॉजिटिव। और करण क्या है? पॉजिटिव। तो बताओ पॉजिटिव बटे पॉजिटिव क्या आएगा? पॉजिटिव। बताओ कोस थीटा, कोस थीटा क्या होता है? आधार बटे करण। आधार नेगेटिव और करण पॉजिटिव। तो बताओ नेगेटिव बटे पॉजिटिव बराबर रिजल्ट क्या आएगा? नेगेटिव। बताओ टेन थीटा, टेन थीटा क्या होता है? देख लीजिए यहां से मेरे साथ साथ बोलिए, लंब बटे आधार। बताओ लंब क्या? पॉजिटिव। और ये क्या? नेगेटिव। तो पॉजिटिव बटे नेगेटिव बराबर क्या आएगा? नेगेटिव। ऐसे ही बताओ कोट थीटा। बताओ कोट थीटा क्या होता है अपने पास? कोट थीटा होता है अपने पास आधार बटे लंब। आधार क्या है? माइनस, और लंब क्या है? प्लस। माइनस बटे प्लस बराबर माइनस। सेक थीटा, सेक थीटा क्या होता है? करण बटे आधार। तो करण क्या है? पॉजिटिव। और आधार क्या है? नेगेटिव बराबर नेगेटिव। और ये क्या आएगा अपने पास? पॉजिटिव बटे पॉजिटिव बराबर पॉजिटिव। तो एक बात समझ में आई क्या कि सेकंड क्वाड्रेंट में कौन कौन सी वैल्यू पॉजिटिव होती है बोल के बताओ मेरे। देखो साइन थीटा और कोसेक थीटा हमेशा सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होती हैं? पॉजिटिव। तो मैं लिख देता हूं साइन थीटा और कोसेक थीटा, दोनों वैल्यू क्या होंगी? पॉजिटिव। तो बताओ फर्स्ट में कौन कौन सी वैल्यू पॉजिटिव होती हैं? फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल वैल्यू पॉजिटिव होती हैं। सेकंड में कौन कौन सी होती हैं? साइन थीटा और कोसेक थीटा।
ऐसे ही अब देखो आप ऐसे मिस्टेक करोगे, अब मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ये काम आपको करना, और आप ये सोचोगे कि ये तो हमें आ ही रहा है, क्या करना है। यही तो सबसे बड़ी मिस्टेक है कि हमें आ रहा है। जब आप कॉपी पेन उठाओगे ना, तब पता चलेगा आपको आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो आप ऐसे मत सोचिए कि ये तो हमें आ ही रहा है, मैं जितना बोलूँ उतना काम आपको करना है। अब देखो ऐसे थर्ड क्वाड्रेंट में हमने क्या बना लिया, हमने ट्रायंगल बना लिया। बताओ थीटा कहाँ पर रहेगा? आप बोलोगे कि सर थीटा तो अक्ष एक्सिस के साथ में रहेगा, तो ये रख दिया। और थीटा के सामने क्या होता है? लंब। ये क्या है? आधार। और ये क्या है? करण। बताओ लंब यहाँ पर क्या है? नेगेटिव। आधार क्या है? नेगेटिव। और करण भी क्या है? पॉजिटिव। उम्मीद करता हूँ ये सारी बातें समझ में आ रही होंगी आपको। अब आपको हाँ बोलना है, और हाँ कैसे बोलना है? कमेंट में लिखना है हाँ सर समझ में आ रहा है। जितनी बार मैं आपको बोलूँ उतनी बार आपको रेस्पॉन्स करना है। ये आपको जाने अनजाने में ये आपको एक्टिव करेगा, और आपका माइंड है वो रिफ्रेशमेंट होता रहेगा, ठीक है ना। अब देखो इसमें हम लोग बात करें, देखो ये तो बात कौन से क्वाड्रेंट की थी, ये तो मैंने फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात की है, ये इतनी इतनी, ये कौन से क्वाड्रेंट की चीजें लिख दी? सेकंड की। और ये इधर मैं कौन से की लिख रहा हूँ? थर्ड, ताकि मुझे बार बार साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक ना लिखना पड़े, ठीक है ना। वैसे तो आप खुद ही कर सकते हो और करना भी चाहिए आपको, लेकिन फिर भी मैं आपको समझा रहा हूँ। देखो साइन थीटा क्या होता है? लंब बटे करण। बताओ इसमें लंब क्या है? माइनस। और करण क्या है? प्लस। तो माइनस बटे प्लस, बताओ क्या आएगा? माइनस। कोस थीटा क्या होता है? आधार बटे करण। आधार क्या है? माइनस बटे माइनस, बराबर क्या आएगा? प्लस। टेन थीटा क्या होता है? लंब बटे आधार। लंब क्या है इसमें? माइनस। आधार क्या है इसमें? मिस्टेक तो नहीं कर दिया ना अपन ने, सॉरी। कोस थीटा क्या होगा? आधार बटे करण। आधार और बटे करण क्या आएगा अपने पास यहां पर? प्लस आएगा। और ये क्या बनेगा? माइनस, सॉरी। और बताओ टेन थीटा, टेन थीटा क्या होता है? लंब बटे आधार। लंब क्या है इसमें अपने पास यहां पर? माइनस। और आधार भी माइनस, तो बताओ ये क्या हो गया? प्लस। कोट थीटा क्या हो जाएगा अपने पास? माइनस बटे माइनस, बराबर प्लस। और सेक थीटा क्या हो जाएगा? करण बटे आधार। करण क्या है? पॉजिटिव बटे नेगेटिव, बराबर क्या हो गया? नेगेटिव। और बताओ ये क्या बन जाएगा? पॉजिटिव बटे नेगेटिव, बराबर नेगेटिव। तो याद रखना थर्ड क्वाड्रेंट में ओनली कौन कौन सी वैल्यू पॉजिटिव होती हैं? टेन थीटा और कोट थीटा। तो मैं यहां पर लिख देता हूं टेन थीटा और कोट थीटा, दोनों वैल्यू क्या होती हैं? पॉजिटिव। ऐसे ही आप लोग क्या करोगे, फोर्थ क्वाड्रेंट में भी एक ट्रायंगल ड्रॉ करोगे, और थीटा कहां पर रहेगा? ये अक्ष वाली लाइन रही, थीटा यहां पर रहेगा। तो थीटा के सामने ये लंब, तो इसका नेगेटिव, आधार पॉजिटिव, और करण भी क्या आएगा? पॉजिटिव। और जब आप, मैंने जैसे तीन क्वाड्रेंट में किया है, ऐसे आप फोर्थ क्वाड्रेंट में करोगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें कौन कौन सी वैल्यू पॉजिटिव होती हैं, कोस थीटा, और फिर कौन सी वैल्यू पॉजिटिव होती है, सेक थीटा पॉजिटिव। तो यहां से जिन लोगों को ऑलरेडी ट्रिग्नोमेट्री का नॉलेज था, उनको भी ये बात समझ में आई है कि हाँ सर, इन चीजों को प्रूव करने का ये बेस्ट मेथड हो सकता है। समझ में आ रही है मेरी बात? अब मैं जैसे ही बोलता हूं तो आप बोला करो हाँ ना, कुछ ना कुछ आप लोग बोला करो, ठीक है ना। अब देखो तो क्वाड्रेंट में क्या होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल वैल्यू पॉजिटिव होती हैं, सेकंड में कौन कौन सी होती हैं? साइन और कोसेक होती हैं। थर्ड में कौन कौन सी होती हैं? टेन और कोट वैल्यू पॉजिटिव होती हैं। फोर्थ में कौन कौन सी वैल्यू होती हैं? कोस थीटा और सेक थीटा वैल्यू पॉजिटिव होती हैं। समझ में आ गई मेरी बात सबको? अब अपन लोग थोड़े से एक और आगे चलते हैं। तो देखो आप लोग यहां से इनको याद रखने का एक और तरीका है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट। देखो इनको याद कैसे रखते हैं, ए एस टी सी। ए का मतलब क्या होता है? ऑल पॉजिटिव। एस का मतलब क्या होता है? साइन थीटा। अब देखो साइन के नीचे क्या है? कोसेक। साइन के नीचे, तो साइन का उल्टा ले लिया करो, कोसेक थीटा। दोनों के दोनों वैल्यू क्या आएंगी? पॉजिटिव। थर्ड में टी, टी का मतलब क्या हो गया? टेन। और टेन का उल्टा क्या है? कोट। तो मैं ले लेता हूं यहां पर टेन थीटा, और दूसरा और कौन सा आ जाएगा अपने पास? कोट थीटा। सी का मतलब, सी का मतलब क्या होगा? कोस थीटा। और देखो कोस का अपोजिट क्या है? सेक थीटा। तो इसको आप लोग ऐसे भी याद रख सकते हो। अब आपको डायरेक्ट ये वाली बात बता देते हैं टीचर, इससे आपके माइंड में
प्रॉपर एक्सप्लेनेशन नहीं जाती है और आपके हमेशा के लिए क्वेश्चन मार्क बन जाता है कि यार ये ऐसे कैसे हुआ। तो मैंने एकदम प्रैक्टिकली आपको समझाया है और आप अगर ऐसे पढ़ोगे तो आपको सारी चीज़ें धीरे धीरे क्लियर हो जाएंगी, ठीक है ना। अब देखो अपन लोग आगे स्टार्ट करते हैं। तो अपन किसकी बात कर रहे हैं यहां पर, क्वाड्रेंट्स की अपन लोग बात कर रहे हैं। देखो मेरे साथ साथ बोलते रहा करो आप लोग और साथ में नोट्स बनाते रहो, फिर वीडियो बंद करके वो नोट्स पढ़ने आप लोगों को। बताओ ये कौन सा क्वाड्रेंट है, फर्स्ट। ये कौन सा है, सेकंड। ये कौन सा है, थर्ड। और ये कौन सा है, फोर्थ। बताओ फर्स्ट में क्या होता है, ऑल वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव। सेकंड में एस साइन थीटा और कोसेक थीटा दोनों क्या होते हैं, पॉजिटिव। इसमें क्या होते हैं, टेन थीटा और कोट थीटा दोनों क्या होते हैं, पॉजिटिव। इसमें कोस थीटा और सेक थीटा दोनों क्या होते हैं, पॉजिटिव। समझ में आ गई यहाँ तक की बात। यहाँ क्या होता है, 0 डिग्री और 360। यहाँ पर कितना डिग्री होता है, 90 डिग्री। यहाँ पर 180 डिग्री और यहाँ पर 270 डिग्री। समझ में आ गई यहाँ तक की बात। अब देखो आप लोग यहाँ से, फर्स्ट में जो अपने पास वैल्यू है, बताओ यहाँ पर कितना डिग्री अपने पास, 0 डिग्री। अगर मैं 0 में कुछ भी ऐड करूँगा तो बताओ वो कौन से क्वाड्रेंट में चला जाएगा, फर्स्ट में। तो आप कह सकते हो कि सर फर्स्ट में एक तो होता है 0 प्लस थीटा और 360 में कुछ ऐड करेंगे तो ये भी कौन से में हो जाएगा, फर्स्ट में। और 90 में से कुछ भी घटाएंगे तो ये भी कौन से क्वाड्रेंट में चला जाएगा, फर्स्ट में। तो क्या मेरी बात समझ में आ गई यहाँ तक की, हाँ या ना बोलना है आप लोगों को, चुपचाप नहीं बैठे रहना है। और वीडियो पॉज कर करके आप लोग खुद लिखते रहा करो, साथ साथ में नोट्स बनाते रहो आप लोग, और फिर वीडियो बंद करके कंप्लीट एक बार उन नोट्स को पढ़ लीजिए और फिर खुद से बिना देखे ये सारी चीज़ें आप खुद लिखिए। मैं गारंटी देता हूँ आपको हो ही नहीं सकता कि आपको ट्रिग्नोमेट्री नहीं आने लगेगी। बताओ 90 में कुछ भी ऐड करेंगे तो सेकेंड क्वाड्रेंट में एक तो कौन सी वैल्यू होती है, 90 प्लस थीटा। एक कौन सी वैल्यू, 180 में से कुछ भी माइनस करेंगे तो 180 माइनस थीटा। इसमें कौन सी होती है, 180 प्लस थीटा और एक 270 माइनस थीटा, क्योंकि 270 में से कुछ भी घटाएंगे तो इसमें आ जाएगा। यहाँ क्या क्या होता है, 270 प्लस थीटा, 0 माइनस थीटा, 360 माइनस थीटा। ये वैल्यू कौन से क्वाड्रेंट में होती है, फोर्थ में। तो समझ में आई आपको यहां तक की बातें। अब देखो मैं आपको क्वाड्रेंट्स के बारे में थोड़ी सी और बात समझाता हूँ, समझना आप आराम से, बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट बातें क्लियर करने वाला हूँ मैं आप लोगों के। मैं एक ट्रायंगल बना रहा हूं यहां पर, ये कितना डिग्री एंगल होता है, 90 डिग्री। अब इन दोनों का योगफल कितना बचा, 90। 90 क्यों बचा, क्योंकि ट्रायंगल के तीनों एंगल का जो सम होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री। तो आप कहोगे कि हाँ सर ये 90 है तो इन दोनों का योगफल 90 ही बचा, इसको अक्ष मान लेता हूँ, इसको वाई और इसको जेड। तो बताओ ये 90 बचा तो मैं इसको, अगर दोनों का योगफल 90 है तो ये अगर यहाँ पर मैं मान लीजिए थीटा लिख देता हूँ तो ये यहाँ पर कितना बचेगा फिर मेरे पास, 90 माइनस थीटा। समझ में आ रही है क्या बात है। एक और ट्रायंगल बना देता हूं, ये वाई है, ये जेड है, ये एक्स है और ये थीटा है और ये कितना है, 90 माइनस थीटा। अब देखो आप लोग यहां से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है की बारी है। देखो साइन थीटा, फर्स्ट वाले ट्रायंगल में अगर मैं साइन थीटा लगाऊं, बताओ साइन थीटा क्या होता है, मेरे साथ साथ बोला करो, साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे करण। तो बताओ इसमें लंब, तो देखो साइन थीटा, थीटा इसलिए लिख रहा हूं मैं इस वाले एंगल की बात करूं, ये थीटा है ना, तो इस एंगल की बात कर रहा हूं। तो साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे करण, लंब कितना है, अक्ष, और बताओ करण कितना है, जेड। समझ में आ गई बात। ऐसे ही मैं सेकेंड ट्रायंगल में बात कर रहा हूं, देखो मैं सेकेंड ट्रायंगल में बात कर रहा हूं, सेकेंड ट्रायंगल में किसकी बात कर रहा हूं, कोस थीटा की बात, सॉरी कोस 90 माइनस थीटा की बात कर रहा हूं।
कोस 90 माइनस थीटा। बताओ कोस कौन से ट्रायंगल में बात कर रहा हूँ, सेकंड वाले में, किसकी, कोस 90 माइनस थीटा, मतलब मैं इस वाले एंगल की बात कर रहा हूँ। तो बताओ इस एंगल को लूंगा तो जिस भी एंगल को लूंगा उसके सामने क्या होगा, लंब होगा। तो पहली बात तो कोस थीटा क्या होता है, आधार बटे करण। बताओ ये तो इसमें लंब हो गया, और ये क्या है आधार और ये क्या है करण। तो बताओ आधार इसमें अक्ष और करण कितना, जेड। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, समझने की कोशिश करना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। बहुत सारी चीजें क्लियर होंगी, अभी मैं पढ़ा नहीं रहा हूं, ओनली ओवरऑल बेसिक नॉलेज मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री का दे रहा हूं, ठीक है ना। अब आप लोग ये बताओ, देखो यहां से मैं बताऊं, बताओ कोस 90 माइनस थीटा की वैल्यू भी कितनी है, अक्ष बटे जेड। बताओ साइन थीटा की वैल्यू भी कितनी है, अक्स बटे जेड। तो इन दोनों की वैल्यू सेम है, तो इसका मतलब इन दोनों को हम बराबर लिख सकते हैं क्या, हम ये लिख सकते हैं क्या, कोस 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा। क्या एक इंपॉर्टेंट बात अपन ने सीखना स्टार्ट की क्या, समझ में आ रही है क्या मेरी बात। देखो बताओ 90 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में होता है। देखो 90 माइनस थीटा, आप डर मत जाओ, मैं जैसे जैसे पढ़ा रहा हूं एक बार आप कोशिश करो, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। बताओ कोश 90 माइनस थीटा ये कौन से क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट में, और फर्स्ट में ऑल वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव, इसलिए यहां पर क्या आया अपने पास, पॉजिटिव। ऐसे ही देखो आप याद रखना, यहां साइन किस में कन्वर्ट होगा, कोश थीटा में, टेन थीटा किस में कन्वर्ट होगा, कोट थीटा में, और सेक थीटा किस में कन्वर्ट होगा, कोसेक थीटा में, ठीक है ना। और वैल्यू चेंज कहाँ कहाँ होती हैं याद रखना, वैल्यू चेंज होती हैं 90 डिग्री पर, 270 पर, क्या होती हैं चेंज, 0, 180, 360 पर, नो चेंज। समझना आप लोग आराम से। अब देखो कोस 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, साइन। ये कैसे आया, मैंने ट्रायंगल बना के समझा, एक बार वीडियो को वापस पीछे ले जा करके एक बार वापस देख लेना, समझ में आ जाएगा। ऐसे ही मैं लिखूं साइन 90 माइनस थीटा, बताओ 90 पर चेंज होता है क्या, देखो 90 पर चेंज होता है, मैंने क्लियर बता रखा है। और साइन किस में चेंज होगा, सर साइन कोस में होगा, तो ये यहां पर क्या लिख देंगे, कोस थीटा। ऐसे ही अपन क्या करते हैं, टेन 90 माइनस थीटा, बताओ 90 पर चेंज होता है क्या, आप बोला करो हाँ या ना, 90 पर चेंज होता है क्या, होता है। टेन किस में चेंज होगा, कोट में, तो ये क्या आ जाएगा अपने पास यहां से, कोट थीटा। ऐसे ही कोट 90 माइनस थीटा, 90 पर चेंज होगा और कोट किस में चेंज होगा, टेन में, और ये यहां पर आ जाएगा थीटा। ऐसे ही सेक 90 माइनस थीटा, सेक किस में कन्वर्ट होगा, कोसेक में, और ये यहां पर आ जाएगा थीटा। और ऐसे ही कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या आ जाएगा, सेक थीटा। समझ में आ रही है क्या मेरी बातें सबको। और बताओ 90 माइनस थीटा में से कौन से क्वाड्रेंट में होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है। देखो मैंने यहां पर समझाया था आप लोगों को, ये रहा, देखो 90 माइनस थीटा में से कौन से क्वाड्रेंट में होता है, फर्स्ट में, तो फर्स्ट में ऑल वैल्यू क्या आती है, पॉजिटिव, इसलिए हमने सबके सबको ही क्या रखा है, देखो इसको भी पॉजिटिव, ये पॉजिटिव पॉजिटिव ही है सारे के सारे। समझ में आ रही है ना मेरी बात सबको। देखो जैसे मैं और लिखता हूं यहां पर, जैसे मैंने लिखना स्टार्ट कर दिया साइन 90 प्लस थीटा। अब बताओ साइन किस में कन्वर्ट, पहली बात तो 90 पर चेंज होता है क्या, देखो मैंने यहां पर लिख रखा है 90 पर चेंज होता है। साइन किस में चेंज होगा, साइन चेंज होगा कोस में, तो मैं लिख देता हूं कोस थीटा। लेकिन याद रखना है 90 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में है। देखो मैं धीरे धीरे सब कुछ सिखा दूंगा, बताओ 90 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में है। 90 प्लस थीटा आप कहोगे कि सर सेकंड में है, सेकंड में क्या क्या पॉजिटिव होता है, साइन और कोसेक दो ही चीज पॉजिटिव होती हैं। तो देखो कौन सा देखना है, ये नहीं देखना है कि यहां पर साइन है या नहीं है, यहां देखना है यहां पर साइन है क्या, है, और सेकंड में साइन क्या होता है, पॉजिटिव, पॉजिटिव होता है, तो इसके किसका चिन्ह लगेगा, पॉजिटिव का लगेगा। ऐसे ही मैं बात करूं कोश 90 प्लस थीटा, बताओ 90 पर चेंज होता है क्या, होता है, और किस में हो जाएगा, साइन में। लेकिन आप लोग बताओ 90 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में है, बोलो बोलो फटाफट,
90 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में है? देखो 90 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में है? सेकंड में। और सेकंड में साइन और कोसेक क्या होते हैं? पॉजिटिव। तो अपन चेक करते हैं यहां पर साइन या है क्या अपने पास, ये साइन या कोसेक है क्या? यहां नहीं देखना है, यहां नहीं देखना है, यहां देखना आपको, यहां साइन या कोसेक है क्या? बोल के बताओ है क्या? नहीं है। नहीं है अगर, तो बताओ ये क्या रहेगा? सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, तो साइन और कोसेक नहीं है, इसका मतलब ये क्या आएगा? नेगेटिव। तो समझ में आ रही है क्या मेरी बात? ऐसे ही देखो, टेन 90 प्लस थीटा, टेन किस में कन्वर्ट हो जाएगा? कोट थीटा किस पर होगा? 90 पर चेंज होगा। अब बताओ टेन 90 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में होता है? सेकंड में। सेकंड में साइन और कोसेक की पॉजिटिव होते हैं, बताओ यहां पर साइन या कोसेक है क्या? बोल के बताओ है या नहीं है? नहीं है। तो बताओ ये क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। ऐसे ही मैं बात करूं कोट 90 प्लस थीटा, तो बताओ कोट 90 प्लस थीटा, 90 पर चेंज होता है तो कोट किस में चेंज हो जाएगा? टेन में। अब बताओ 90 प्लस थीटा सेकंड में होता है, सेकंड में कौन कौन पॉजिटिव होता है? साइन थीटा और कोसेक थीटा। बताओ यहां पर साइन थीटा या कोसेक थीटा है क्या? नहीं है। तो ये भी क्या आएगा? नेगेटिव। ऐसे ही बताओ सेक 90 प्लस थीटा, सेक किस में कन्वर्ट हो जाएगा? कोसेक थीटा में। क्यों क्यों हो जाएगा चेंज? क्योंकि 90 पर वैल्यू चेंज होती है। देखो मैंने ये लिखवा रखा 90 पर, 270 पर वैल्यू क्या होती है? चेंज। तो बताओ ये चेंज हो जाएगा और ये किस में चला जाएगा? नेगेटिव में। कोसेक 90 प्लस थीटा किस में कन्वर्ट होगा? कोसेक सेक में। लेकिन आप लोग बताओ सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक क्या होते हैं? पॉजिटिव। क्या यहां पर कोसेक है क्या? बोल के बताओ है क्या कोसेक? है। तो बताओ ये क्या होगा? पॉजिटिव। तो ये अब आएगा पॉजिटिव। तो समझ में आया क्या मैंने वहां पर आपको पॉजिटिव नेगेटिव का मतलब क्यों सिखाया था? वो पॉजिटिव नेगेटिव सॉरी यहां पर काम आते हैं और भी काम आएंगे, वो मैं धीरे धीरे आपको सारा क्लियर करवा दूंगा। अब ऐसे ही देखो मैं बात करता हूं यहां से, साइन 180 प्लस थीटा। अब बताओ 180 पर वैल्यू चेंज होती है क्या? देखो ये लिखा 180 पर वैल्यू क्या होती है? नो चेंज। नो चेंज होती है तो साइन का क्या आ जाएगा अपने पास? साइन का अपने पास आएगा साइन थीटा। लेकिन चेक करो 180 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में होता है? देखो 180 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में होता है? थर्ड में होता है। थर्ड में टेन और कोट क्या होते हैं? पॉजिटिव। तो याद रखना है टेन और पॉजिटिव, टेन और कोट तो नहीं है सॉरी। तो यहां पर टेन कौन कौन से पॉजिटिव होते हैं? देखो मैं यहां पर लिख देता हूं टेन थीटा और कोट थीटा कौन से क्वाड्रेंट में? थर्ड में। तो बताओ यहां पर टेन या कोट है क्या? बोल के बताओ टेन या कोट है क्या? नहीं है। नहीं है तो फिर बताओ ये यहां पर क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। ऐसे ही कोस 180 प्लस थीटा, बताओ 180 पर वैल्यू चेंज होती है क्या? देखो आप कहोगे सर ये कहां से पता चल रहा है? देखो मैंने यहां लिख दिया 0 180 360 पर वैल्यू नो चेंज, यहां चेंज नहीं होती है याद रखना। तो बताओ कोस का क्या जाएगा? कोस थीटा। लेकिन थर्ड में टेन और कोट क्या होते हैं? पॉजिटिव। तो बताओ यहां पर टेन या कोट है क्या? नहीं है। तो ये क्या आएगा? नेगेटिव। ऐसे ही बात करता हूं टेन 180 प्लस थीटा, बताओ चेंज होगा क्या? नहीं होगा। तो ये क्या आ जाएगा? टेन थीटा। लेकिन ये कौन से क्वाड्रेंट में है? थर्ड में। थर्ड में टेन और कोट पॉजिटिव होते हैं, तो बताओ ये क्या आएगा? पॉजिटिव। ऐसे ही कोट 180 प्लस थीटा, बताओ क्या बन जाएगा? कोट थीटा, और ये भी क्या रहेगा? पॉजिटिव। ऐसे ही सेक 180 प्लस थीटा, बताओ ये क्या बन जाएगा अपने पास? सेक थीटा। लेकिन बताओ टेन और कोट पॉजिटिव होते हैं थर्ड में, टेन और कोट क्या होते हैं? पॉजिटिव। बताओ यहां पर टेन या कोट है क्या? नहीं है। नहीं है तो फिर ये क्या आएगा? नेगेटिव। ऐसे ही मैं लिख देता हूं कोसेक 180 प्लस थीटा, बताओ 180 पर चेंज होता है क्या? नहीं होता है। तो ये क्या आएगा? कोसेक थीटा। लेकिन 180 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में है? आप कहोगे कि सर तीसरे में। तीसरे में क्या क्या पॉजिटिव होता है? टेन और कोट। आप एक बार है ना आधा वीडियो देख के उसको आराम से समझ के लिख लिया करो, फिर आगे का स्टार्ट कर लिया करो अगर किसी को थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होती भी है तो। बताओ टेन और कोट पॉजिटिव होता है तो ये क्या आएगा? नेगेटिव।
समझ में आया? तो आप ऐसे ही किस किस के लिख सकते हैं? आप लिख सकते हैं 90+ थीटा, 90-माइनस थीटा, 180+ थीटा, 180-माइनस थीटा, ऐसे ही 270+ थीटा, 270-माइनस थीटा, ऐसे ही 0+ थीटा और 0-माइनस थीटा। उम्मीद करता हूँ ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। और आप कंप्लीट चीजें देखें। अब ये आपको लिखना है और कल मैं आपको क्या करूंगा, एक साथ एक बार लिख के शुरू में एक बार वीडियो में आपको दिखा दूंगा, आप उसका स्क्रीनशॉट लेकर अपना मैच कर लेना, ठीक है ना? और मुझे आपके थोड़े से अप्रिसिएशन की जरूरत है। आप जितना हो सके, भले एक एक स्टूडेंट को दो दो कमेंट करने पड़े, लेकिन अपना सेशन, अपनी क्वालिटी इस तरीके से मेंटेन कीजिए कि जितना मैं एफर्ट्स कर रहा हूँ उसका मुझे पूरा इंटरेस्ट आए। मैं आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूँ। अच्छा, कुछ लोग मैं जैसे क्लास में बोल रहा हूँ वैसे सोच रहे हैं आपके लिए कोई नहीं करता, सब खुद के लिए करते हैं, तो ऐसा समझ लीजिए कि खुद के लिए कर रहा हूँ, बट मेरे लिए कर दीजिए आप, ठीक है ना? तो लाइक, कमेंट, शेयर, आपको जितना हो सके उतना करना है। और हाँ, इन सबसे पहले जितना मैंने पढ़ाया है उसको दो दो तीन तीन बार आपको पढ़ना है। मैं कल यही सोचकर वीडियो दूसरा रिकॉर्ड करूंगा कि पिछले वीडियो में जितना मैंने पढ़ाया है या क्लियर करवाया है वो आप लोगों को एकदम 100% क्लियर हो चुका है, ठीक है ना? और इन सारी चीजों को एक बार मैं बेसिक पढ़ा रहा हूं, अभी तो मैंने स्टार्ट भी नहीं किया है। ये तो ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक नॉलेज है, ठीक है ना? तो बाय, कल मिलते हैं अब अगले वीडियो में। टेक केयर।